नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने दो योजनाएं लॉन्च की हैं ग्राम पंचायत को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा इन्हीं दो योजनाओं के बारे में। तो दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो योजनाएँ लॉन्च की है, जिनमें की पहली है ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन एंड दूसरी है स्वामित्व योजना। तो दोस्तों, ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन जो है उसमें जो है हमें काफ़ी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि जो पंचायतों का जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो हमें इसमें मिलेगी। तो पंचायतें क्या क्या कार्य कर रही हैं पंचायतों में, पंचायतों के बारे में और भी डिटेल्स, जैसे कि उसके सरपंचों के बारे में जानकारियाँ और वहाँ पर क्या क्या कार्य आगे आने वाले टाइम में सरकार की क्या क्या योजनाएँ होंगी उस क्षेत्र के अंतर्गत में, तो वो सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिल जाएगी और क्या फाइनेंस की क्या डिटेल्स है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हमें इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगी। तो इस एप्लीकेशन का लिंक है ई गवर्नमेंट स्वराज गवर्नमेंट डॉट इन। आप जाकर विजिट कर सकते हो, तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है इसका। और दोस्तों, दूसरी बात करें तो दूसरा है दोस्तों स्वामित्व एप्लीकेशन। दोस्तों, स्वामित्व जो योजना है भूमि स्वामित्व योजना, उसके अंतर्गत में जितने भी आजकल आपको पता है कि गांव में बहुत सारे भूमि को लेकर बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत यही है कि हमें जिसकी भी भूमि है, जिसकी भी ज़मीन है, उसका उसको एक सुरक्षा मिलेगी कि हाँ ये वाकई में मेरी ज़मीन है। तो इस अधिकार को इस अधिकार को देने के लिए कि हाँ वाकई ये मेरी ज़मीन है, तो ये योजना इसी पर काम करती है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि इस योजना के अंतर्गत लैंड सर्वेइंग जो है वो ड्रोन के माध्यम से की जाए करेगी। और इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत में और भी बहुत सारी स्कीम्स, जैसे कि इस साल आपके गांव को कितना, इस विकास कार्यों के लिए कितना पैसा दिया गया है, वो सारी चीज़ें भी इसमें डिफाइन की जाएंगी। दोस्तों, स्वामित्व योजना के अंतर्गत उस क्षेत्र में होने वाले कंस्ट्रक्शन, सभी लीगल व्यवसायों के बारे में, सबके बारे में एक डीप एनालिसिस, डीप रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन रहेगा ये। दोस्तों, अभी 6 राज्यों में इस योजना को लागू कर दिया गया है और अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो बाकी के हमारे भारत के सभी राज्यों में भी इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो से मिली जानकारी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।